महंगाई को लेकर के त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है, तो महंगाई से निजात दिलाने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री में कराने के लिए, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए, जो थानों पर गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके FIR नहीं हो रहे हैं, इससे निजात दिलाने के लिए, जो आज पत्रकार सही बात दिखा दे रहा है, जबकि देश का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, सही बात दिखा दे रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा ये हिटलर सही रवैये सरकार लगा रही है। और इनके छुट्टा सांड़ जो ललका सांड़ है योगी जी के, ये योगी जी के ललका सांड़ किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कि किसानों का धन इनका ललका सांड़ दुगुना न करे, हम लोग 22 में सरकार बनाना चाहते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने कहा है कि लाल टोपी अलर्ट है, अलर्ट हो जाइए लाल टोपी से, और सपा के कार्यकर्ताओं को गुंडा भी कहा, उसके लिए क्या कहना चाहिए आपने? सपा गठबंधन किया, देखिए उत्तर प्रदेश के जितने गुंडा माफिया हैं, बलात्कारी हैं, सब भाजपा में चले गए हैं। अभी आपने देखा कि हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लखनऊ में बोल रहे थे कि दूरबीन से भी देखने पर देश में अपराधी नहीं दिख रहा है, और उन्हीं के बगल में बैठा हुआ अजय मिश्रा टेनी 302 का अपराधी जमानत पे है, 120 भी का अपराधी, उसी का बेटा 4 किसानों की एक पत्रकार की हत्या करता है जीप चढ़ा करके, उसके बाद वहां 9 लोगों की हत्या हो जाती है, और मंत्री सरकार चला रहा है, बेटा जेल में बैठा हुआ है, वो उनको दिखाई नहीं देता है। इटावा में भारतीय जनता पार्टी का नेता SP को थप्पड़ मारता है और जिलाध्यक्ष बन जाता है। चिट फंड कंपनी का बंगाल का वो राय साहब जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि चिटफंड कंपनी को लेकर पूरे देश में बाजा भारतीय जनता पार्टी ने बजाया, घोटाला दिखाया, और जब वो ज्वाइन कर लिया तो राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अभी आपने देखा कि जब रीता बहुगुणा जोशी का मकान फूकने वाला व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया तो वो क्लीन चिट मिल गया उसको। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, जाति चीन करके हरशंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकेश राजभर के खिलाफ कार्रवाई होगी, अजय यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं रामधारी पटेल के खिलाफ कार्रवाई होगी, कश्यप के खिलाफ कार्रवाई होगी, बिंद निषाद के खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई होगी,